कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास्टर ऑफ़ एजुकेशन एमएड 2018 का क्वेश्चन पेपर, और ये सेट सी है। ये भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर बेसिकली किस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इसमें से सर्च इंजन कौन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फायरफॉक्स जो है वो क्या है, सर्च इंजन नहीं है, वो वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा जितने भी है, वो अल्टाविस्टा हो या बिंग हो या यांडेक्स हो, सब के सब क्या है, वो सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर टू, द प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ फाइल्स इनटू अ सिंगल फाइल और आर्काइव्स इज नोन एज, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम जिपिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, ईमेल। क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर अ लॉसिक ग्राफिक्स फाइल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जेपीजी। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू गेट क्विक एंड अप्रोक्सीमेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, मोड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्पर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर सिक्स का वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट इज़ मोस्ट सस्केप्टेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, मोड। क्वेश्चन नंबर एट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेफर्ड फॉर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, पिक्चोग्राफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, द मेन मीडियन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 22 एंड 23.5 रेस्पेक्टिवली, इट इज़ मोस्ट लाइकली डेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नेगेटिवली स्क्यूड। क्वेश्चन नंबर टेन, द हाइट ऑफ स्टूडेंट इज स्कूल इन अ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डिस्क्रीट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर एलेवन, स्टैटिस्टिक्स इज ए न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज़ मेजर ऑफ, तो बेसिकली ये किसके लिए होता है अगर हम बात करते हैं डेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिपेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको स्किप करते हैं, देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट आंसर है, द अंडर अचीवमेंट ऑफ गर्ल्स इन कंपैरिजन टू द बॉयज़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, विच टर्म डज बेस्ट डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो वह जाएगा ऑप्शन ए, रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, विच टर्म डज बेस्ट डिस्क्राइब द, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 दे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस इज टाइपिकली कंडक्टेड बाई प्रोफेशनल्स टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स दे फेस एट देयर वर्क पैलेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 16, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्वेश्चनायर इज अ, तो इसका टूल फॉर डेटा कलेक्शन, ये क्या है, टूल फॉर डेटा कलेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 18, स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही गोट 45 एंड फेल्ड बाई 21 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 200 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन व्हाट डेटाज डेट्स ऑफ अप्रैल 2016 डेट संडे फॉल, तो ये थोड़ा सा ना आप देख लीजिएगा, बेसिकली ये डेज कौन दिन किस दिन पड़ते हैं, तो ये कैलेंडर का थोड़ा सा आपको देख लेंगे, इसका जो बेसिकली हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द सीरीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी 17। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म टू कंप्लीट द सीरीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको देखना होगा, एसएच रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी गिवन बाय मास्लो, बे नीड्स इंक्लूड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सेल्फ स्टीम। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू पियाजेट द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग वंस स्कीमास टू फिट इनटू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट्स इज नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर फॉरगेटिंग, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी यूज एंड डीके थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाई, तो बेसिकली इसको जो करने वाले थे वो हॉवर्ड गार्डनर थे। क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म सेल्फ एफिशिएंसी वॉज बेस्ट डिफाइंड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अल्बर्ट बंदूरा ने इसका दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, स्किनर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे डॉग कैट पिजन चिंपांजी वगैरह है, यहाँ पे जिस पे वो किए थे उस पे नहीं दिया है, बेसिकली जिस पे वो किए थे वो क्या था, रैट। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ सोशल कॉग्निटिविस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई, तो ये भी याद रख लीजिएगा कौन सा टेस्ट को किसने डेवलप किया था, बिनेट एंड साइमन ने सबसे पहला जो किया था। क्वेश्चन नंबर 30, लर्निंग इट एट योर ओन पेस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर कंसर्न ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्या समाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन थे, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर हुज लीडरशिप टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TTI वॉज एस्टेब्लिश इन जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 34, द पर्पज ऑफ सेमिनार इज़ टू इनरिच पार्टिसिपेंट्स बाई प्रजेंटिंग एंड डिस्कसिंग स्टेटस स्टेट टॉपिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटेड टॉपिक, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हु डिवाइडेड लैंग्वेज इनटू रिस्ट्रिक्टेड एंड एलाबोरेटेड कोड्स, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं वो होगा बेसिल बर्नस्टेन। क्वेश्चन नंबर 36, हु यूज द वेबेरियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टू स्टडी द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का बेसिकली यहाँ पे नाम नहीं है, इसको जो करने वाले थे वो मैक्स वेबर थे, ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा मैक्स वेबर का नाम। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 37 का अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस किस में किया गया था, तो ये भी एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है एग्जैक्ट, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द स्कूल एज द सोशल इंस्टीट्यूशंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, द एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग वन सेल्फ एंड वंस बिहेवियर टू द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन विच वन लिव्स इज कॉल्ड
सोशल। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एडप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 40, हु मेड पद्मावत इन 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है संजय लीला भंसाली। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड्स रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू स्टार्ट हिज हर टीचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 43, एन इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी द टर्म एसटीएम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं कि यह हो जाएगा वर्किंग मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44, इन पाउलोस एक्सपेरिमेंट द यूसीएस वॉस, यूसीएस के बारे में अगर हम बात करते हैं वो क्या था, सालिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 45, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रोसेस बाय विच अ नेचुरल स्टिमुलस बिकम्स अ कंडीशंस स्टिमुलस इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है क्लासिकल कंडीशनिंग मॉडलिंग, कंडीशनिंग मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 57, इन विच स्टेज डज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ बिगिन इन अ चाइल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स फॉर टीचर। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है क्या हो जाएगा, पॉज प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निविस्ट। तो कॉग्निटिविस्ट इसमें से कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पियाजे। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीडियन स्टेज। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कंक्रीट स्टेज, अदरवाइज तीनों जो है वो आपको उसमें सिगमंड फ्राइड का ये स्टेज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेडागोजिकल इशूज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेसिकली, ये भी थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या हो सकता है, इसका थोड़ा सा डाउट है इसमें क्लियर नहीं है, द सोशल मैच्योरिटी इंडेक्स इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आईक्यू है। क्वेश्चन नंबर 53, मेंटल एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मेंटल एज को वहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फेम बोलते हैं, ये लैंग्वेज से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, कोरल ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट इज लोकेटेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ईबे। स्वयं इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, देज आर, वो क्या है, तो एक्सेस है, इक्वालिटी है एंड इक्विटी है एंड क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 59, द बेस्ट मेटाफर फॉर वर्किंग मेमोरीज। बेसिकली 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 60, वेब पेज एड्रेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको हम URL बोलते हैं। ये सब ICT का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हायर कैरेक्टर्स। तो इसका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि JB है, KB है, MB है, TB है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे KB, फिर उसके बाद से MB, फिर GB, फिर उसके बाद से TB आता है। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, आज तक सुनील जैन। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन द कोर्स टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, एरोप्लेन, कॉकपिट, ट्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, बी, इंजन।
क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स एवोल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो इसका जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या है, डाइट भी है, एनसीटी भी है, आईएससी भी है, ये क्या है, एससीईआरटी। एससीईआरटी में भी पढ़ाई होती है, डाइट में भी होती है, आईएससी में भी होती है, एनसीटी में नहीं होती है, ठीक है। तो ये टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, असेसमेंट ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज इन क्लासरूम इज बेस्ड ऑन, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लर्नर के ऊपर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 68, द मेन पर्पज ऑफ अ कंटेंट ऑफ करिकुलम इज फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो प्रोफेसर डीपी सिंह जो अभी भी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या है, प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन विज लैंग्वेज इज, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इसका जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला को उन्होंने लाया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। क्वेश्चन नंबर 71, हु एडवोकेट द एजुकेशन इज अ ट्रिपोलर प्रोसेस, तो इसको जो कहने वाले थे वो थे जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 72, विच कमीशन रिसेंटली रिकमेंडेड डेट द एमएड प्रोग्राम शुड बिकम अ 2-ईयर प्रोग्राम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्मा कमीशन ने ये रिकमेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एक्सपीरियंशियल। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रॉबर्ट एम गगने। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन 29 जो है वो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, बट वो मेंशन है नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 76, आर्टिकल 30 भी आएगा इसमें, लेकिन 29 जो है वो ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर, विच आर्टिकल स्टेट द प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो है आर्टिकल 46 जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर, आरटी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अप्रैल 1, 2010 को आरटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द जामिया मिलिया इस्लामिया वन मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो इसको जो कहने वाले थे वो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कहा था, द AGIL मॉडल वॉज गिवन बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टालकोट पार्सन ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 80, हु सेड दैट एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज रेदर द सोशल चेंजेस रिजल्ट्स इनटू एन एजुकेशनल चेंज, तो ये बेसिकली सेंटेंस जो बोलने वाले थे वो है इमैनुअल दुर्खाइम। क्वेश्चन नंबर 81, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी मेनली डील्स विथ नॉलेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एपिस्टेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो बेसिकली इसका जो बेसिक अगर हम बात करें कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अदरवाइज तीनों जो है वो फाउंडेशनल ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द थ्योरी ऑफ एजुकेशन विच फोकसेस ऑन टू डेवलप बेसिस स्किल ऑफ लिटरेसी न्यूमेरेसी एंड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रोग्रेसिज्म सिविज्म। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ पेडागोजिकल साइकिल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन आइडियलिस्ट थिंकर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए गांधी जी जो थे वो आइडियलिस्ट थिंकर थे। क्वेश्चन नंबर 86, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है प्रैग्मेटिज्म।
क्वेश्चन नंबर 87, हु एडवोकेटेड दैट द एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वॉज गिवेन बाई? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डेविस एंड मूर। क्वेश्चन नंबर 89, स्टूडेंट इज ब्लैंक एट बर्थ एंड द टीचर मस्ट प्रोवाइड सेंसरी एक्सपीरियंसिस टू मेक इम्प्रेशन ऑन दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर हम बात करते हैं कि जॉन लॉक ने ये आइडिया दिया था। क्वेश्चन नंबर 90, अ प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल्स लर्न कल्चर एंड देयर सोसाइटी इज कॉल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 91, हु स्टेटेड डैट सोसाइटी इज अ रिलेशन एमंग पर्सनल आइडियाज़? तो ये कहने वाले कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, डेवी। क्वेश्चन नंबर 92, द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टूडेंट सेंटर्ड फिलोसफी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 94, द मेन पर्पज ऑफ इंटर्नशिप ऑफ पुपिल टीचर्स इन स्कूल इज टू? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रिलेट थ्योरी विथ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 95, द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ एज 13 ईयर्स इज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 96, वन ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर क्वालिटी टीचिंग इज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 97, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज? तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। क्वेश्चन नंबर 98, अ काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन विच चाइल्ड रीड्स नंबर रॉन्गली इज? तो उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 99, हैप्पीनेस रिलेटेड इंडेक्स इज यूज्ड इन? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये चीज़ आती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, जामिया मिलिया इस्लामिया इज वन ऑफ द एस्टिमेटेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, द टर्म जामिया मीन्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी। तो ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।